जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मतलब चाहे वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 महीने यार जम के पढ़ाई करते हैं, जम के मेहनत करते हैं, बिना ये सोचे यार मन लग रहा है नहीं लग रहा, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, होगा जो भी रिजल्ट होगा 2-3 महीने बाद, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट करेंगे मैं भी और आप भी। जब आपके परिवार में आप पहले इंसान होते हो जो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो आपसे उम्मीद भी काफी ज्यादा होती है। देखते हैं क्या होगा इसका। तो हर किसी लोअर मिडिल क्लास की तरह मेरे पास भी 2 ऑप्शंस थे, फॉलोइंग द पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोच तो बहुत कुछ रखा था पैशन को लेकर, लेकिन जब 2021 में लॉकडाउन लगा तो सोचा पढ़ना स्टार्ट करते हैं 2 आवर्स अ डे। मेरा मन नहीं था कोडिंग में, लेकिन आई स्टार्टेड। सो इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट गिव 4 आवर्स आल्सो, देन प्रोबेबली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज डू नॉट डिजर्व यू। ये लाइन मुझे काफी परेशान करती थी और मुझे मेरी औकात दिखाती थी। सडनली पैसे का सोर्स खत्म, उसके बाद लगने लगा डर। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। डर एजुकेशन में इतना खर्चा होने के बाद भी प्लेसमेंट ना लेने का, एजुकेशन लोन का। अब खाली आप, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी ही इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो 50,000 लोगों की भी उम्मीद थी। देखते हैं क्या होता है इसका। फिर क्या था, जिंदगी का वही लूप स्टार्ट हो गया। अब इस लूप में घुसते ही जो सबसे पहले चीज थी वो थी मेहनत, और इस मेहनत वाले फंक्शन में जो पैरामीटर पास हुआ था वो था रोज की सो। अगली जो लाइन थी वो भी थी मेहनत, और इस बारी के मेहनत वाले फंक्शन में जो पैरामीटर पास हुआ था वो था सुबह शाम की सो। उसके बाद वाली लाइन भी थी मेहनत, और इसमें जो पैरामीटर पास हुआ था वो था दिन रात की सो। अब कोडिंग की भाषा में तो इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी ओवरलोड हुई वो बिल्कुल ही खतरनाक थी। अब इतना कुछ करने के बाद अगर आपकी GPA कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो आपकी इफ कंडीशन चल जाती है। फिर क्या, आपका कोडिंग राउंड होता है, मतलब आपका कोडिंग राउंड वाला फंक्शन चलता है, और अगर उस फंक्शन की वैल्यू ट्रू आती है मतलब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अब मेरा अभी तक इंटरव्यू तो आया नहीं था, तो मेरा ये जो वाइल्ड लूप, मेहनत वाला लूप दोबारा स्टार्ट हो जाता था। अब इस लूप की जो टर्मिनेशन कंडीशन थी वो थी फाइनली प्लेस्ड जब आपका ट्रू हो जाता। तो मेरा ये जो लूप है 33 बार चला, और 33 बार कंपनीज में नॉट शॉर्टलिस्टेड होने के बाद अब आती है 34वीं कंपनी, जिसका मैं CGPA क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मेरा कोडिंग राउंड भी अच्छा चला जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे काफी डर लगने लगता है। आगे देखो आप। तो भाई फाइनली क्या बताऊं यार तुम्हें, आज है 24 अगस्त और फाइनली मेरा एक कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, कल मेरा इंटरव्यू है, और भाई मैं इतना खुश होना, इतना खुश। यार कल का टेस्ट देने के बाद है ना, मेरा एक टेस्ट केस उसमें दिक्कत आ गई थी, मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी, तो बिल्कुल ऐसा हो गया था यार, अब तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का, आज का पूरा दिन मैंने बर्बाद कर दिया। और अभी मैंने क्या देखा यार, मेरे पास आ रखा है मेल, कल सुबह 10 बजे मेरा इंटरव्यू। तो भाई ऑल सेट फॉर द इंटरव्यू, आज पहला इंटरव्यू है मेरा, ठीक है। और पूरी रात मैं सही बताऊं, मेरे को यार इंटरव्यू के ही सपने आए हैं कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ भूल गया ऐसे। और वैसे मैं 5 घंटे ही सो पाया हूँ, लेकिन भाई एक्साइटमेंट लेवल फुल ऑन है, देखते हैं क्या होता है इंटरव्यू में। तो भाई ये काफ़ी बढ़िया खबर है, फर्स्ट राउंड हमारा जा चुका है, बहुत प्यारा। मतलब यार ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, लेकिन 2 जगह मैं थोड़ा अटक गया था, वो सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, लेकिन यार उनके पीछे का लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं थोड़ा इन डेप्थ उन्होंने पूछा, और वहाँ पे गड़बड़ सी हो गई थी। क्वेश्चंस अभी नहीं, कभी बाद में डिस्कस करेंगे एक बार जब पूरा अच्छे से हो जाए। तो यार अभी मैं राउंड 2 का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास मेल आया नहीं है। वैसे मेरा फर्स्ट राउंड भी अच्छा गया था, देखते हैं क्या होता है। मतलब मैंने जहाँ तक पूछा, मेरे सारे दोस्तों के पास ऑलमोस्ट मेल आ चुका है, तो होप सो आ जाए, थोड़ा वेट करते हैं। नहीं आएगा फिर
बताता हूँ आगे क्या होता है। और एक और चीज़, एक और कंपनी के शाम को है टेस्ट, नहीं आता तो वो देंगे अगर। चलो मिलते हैं आगे भाई। फाइनली मेल आ चुका है अगले राउंड का भी, वो तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक बार सारी डिटेल्स आई करके। विश मी लक, ठीक है, तुम तो ऐसे बाद में ही बोलते होगे, जो भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू राउंड टू बहुत ज़्यादा अल्टीमेट गया था, लेकिन जो शॉर्टलिस्टिंग आनी थी वो आनी थी कल सुबह। अब नींद कैसे आ सकती थी, थक थक चल रही थी, कभी CGPA के बेसिस पे मेरे को शॉर्टलिस्ट ना करें। अगले ही दिन सुबह खुशखबरी आती है कि मेरे जो वाइल्ड लूप चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो टर्मिनेशन कंडीशन थी फाइनली प्लेस्ड, वो ट्रू हो चुकी थी। और यार जो उस टाइम पे खुशी थी ना यार, वो नेक्स्ट लेवल थी। तो यार मैं जस्ट अभी वीडियो देखने वाला था टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, तो ये मेरे को अच्छे से नहीं आता था, ठीक है। और मेरे एक दोस्त से यही पूछा था सेम टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, मैंने सोचा अगले किसी इंटरव्यू में पूछेंगे तो कर लेते हैं, लेकिन फाइनली यार मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं। बाद में देखो, सबसे ऊपर तुम्हारे भाई का नाम लिखा हुआ है। मैं नीचे हो गया हुआ? यार लिस्ट आ गई, लिस्ट आ गई, मेरा हुआ नहीं, नहीं हुआ नहीं यार। दूसरे में ट्राई कर दिया। तो पापा कहाँ पे हैं? पापा गए यार, इतना बढ़िया गया था मम्मी। क्या करे, मेहनत कर रही हूँ और निराश होने की बात नहीं, अभी तो कई कंपनी आएगी यार। फिर भी मतलब बढ़िया गया था, फिर भी नहीं हुआ। हाँ तो नहीं करा होगा ना, देख लिया होगा कौन कौन बढ़िया है। CGPA की वजह से क्या पता नहीं हुआ यार, बुरा सा लग रहा है मम्मी बहुत ज्यादा। क्यों टेंशन ले रहा, अभी तो कई है, अभी तो कई कंपनी आएंगी, दूसरे में आएगा। मम्मी हो गया, मजे ले रहा हूँ। खुश हो? वो मेरे तो अंदर से टूट गई थी, तेरे को दिलासा दे रही थी। चल भाई मिल गए तेरे को, बधाई हो भाई। खुश हो मम्मी? अब बहुत खुश हूँ भाई, सही है। मम्मी ने मतलब पीछे पड़ पड़ के कोडिंग कर ले, कोडिंग कर ले, सेकंड ईयर से हमें पीछे पड़ी हुई थी। और एक रीजन यही था, मम्मी सोच रही, मम्मी ने बोला था एक बार प्लेसमेंट निकाल ले, बट जो करना वो कर लियो, तो अब तो खुश हो? अब माता जी का रिएक्शन तो देख लिया तुम लोगों ने, पिताजी का रिएक्शन भी बनता है ना। पापा यार एक नंबर से रह गया मेरा थोड़ा सा, यार अभी दिमाग सा खराब हो रहा है यार, इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। हुआ भी नहीं यार, वो क्या हो सकता है, अच्छी जगह लिखा हुआ हूँ पत्र में, ऐसे तो नहीं सोचता। इससे अच्छी जगह लिखा हो, जरूरी नहीं कि ये तो कुछ भी था ये। अच्छा बनियान मत उतारो, हो गया। बाबा हाँ तो अजय भाई, कितने का पैकेज लगा, कौन सी कंपनी में लगा, कुछ तो बताओ। तो देखो यार, हमारे कॉलेज की कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसके तहत ये सारी चीज़ें मैं एक टाइम पीरियड से पहले नहीं बता सकता, लेकिन चैनल पे बने रहना, चीज़ें पता चलती रहेंगी। उसके अलावा यार मैं कभी बोलता नहीं हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए, लेकिन यार तुम्हारा एक लाइक काफ़ी आगे तक ले जा सकता है मेरे को, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया है तो लेट्स एम फॉर 10,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। उसके अलावा अगर तुम मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, ऐसे ही सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे।